मध्य प्रदेश के नव निर्वाचित मुख्यमंत्री मोहन यादव अब एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं, एक्शन में वो नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि मोहन यादव ने हाल ही में शपथ ग्रहण की है, पदभार संभाला है और कुछ फैसले जारी करने के बाद वो कलेक्टर्स और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरा मामला क्या है विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं MP तक और मैं हूँ आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश को नया मुख्यमंत्री मिल गया है डॉक्टर मोहन यादव के रूप में। मोहन यादव ने हाल ही में शपथ ग्रहण की और पदभार भी ग्रहण किया, जिसके बाद उन्होंने कुछ फैसले मध्य प्रदेश के जनता को लेकर लिए थे, जिसमें लाउडस्पीकर पर धार्मिक आयोजनों में लाउडस्पीकर पर बैन लगाने जैसा फैसला भी शामिल था। लेकिन अब वो पूरे एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं, एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश की कानून व्यवस्था का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कलेक्टर्स और पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके बैठक ली है, बड़ी बैठक इसे माना जा रहा है। बता दें कि मध्य प्रदेश के 52 से 53 जिलों के कलेक्टर्स और पुलिस अधीक्षकों के साथ डॉक्टर मोहन यादव ने ये बैठक ली है और इस बैठक में मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने बातचीत की है। आपको बता दें कि डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में काम करना शुरू कर दिया है, अपने कामकाज को वो रूप दे रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें कि शपथ ग्रहण के बाद जब उन्होंने पदभार ग्रहण किया, उसके बाद सबसे पहले उन्होंने प्रदेश में धार्मिक आयोजनों में लाउडस्पीकर पर रोक लगाने की जो फैसला है वो लिया था। मोहन यादव के पहले लिए फैसलों में खुले में मीट मांस बेचे जाने पर भी रोक लगाने का जिक्र किया गया है। इसके अलावा हर एक जिले में एक्सीलेंस कॉलेज बनाए जाने का भी फैसला जो है वो मोहन यादव कैबिनेट ने लिया है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि पूरे प्रदेश की सुरक्षा कानून व्यवस्था के मद्देनजर उन्होंने एक बड़ी बैठक कलेक्टर्स और पुलिस अधीक्षकों के साथ की है। हालांकि इंतजार इस बात का भी हो रहा है कि मोहन यादव कि कैबिनेट का गठन कब होगा, मंत्रिमंडल का गठन कब होगा, हालांकि वो तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल पदभार ग्रहण करने के बाद डॉक्टर मोहन यादव एकदम एक्शन मोड में, एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में तमाम खबरों के बने रहिए MP तक के साथ।